सिंगल साइड इंडिकेटर और कार की तरफ पार्किंग इंडिकेटर भी है, चारों एक साइड हॉर्न भी है, हेडलाइट भी है। ये बताइए आगे की टायर बड़ी है पीछे की छोटी है? रात रात भर जग के और बहुत प्रॉब्लम हुआ। कई बार तो आंख में जो काम करते टाइम लोहा का कड़हत है वो पड़ गया था। चलिए अब उधर मोड़िए फास्ट मोड़िए, हाँ फिर सीधा करिए। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको फ्रेम में जो एक बाइक जैसी साइकिल दिख रही है, ये दरअसल एक प्रयास है एक बच्चे की, जिसने इस साइकिल को बाइक का रूप दिया है। ये एक ऐसी किफ़ायती बाइक है जिसमें ना कोई तेल लगना है, ना कोई फ्यूल लगना है और ना कोई खर्चा है। एक बार आप चार्ज करिए और ये स्टाइलिश सी बाइक लेकर आप निकल सकते हैं जहाँ चाहें वहाँ घूमने, और दोस्तों के बीच में एक अच्छा जलवा भी बना सकते हैं। ये एक ऐसी बाइक है जो शहर के नहीं, एक गांव के बच्चे ने बनाई है। एक टाटा बिरला अंबानी के नहीं, बल्कि एक किसान परिवार के एक 16 साल के बच्चे ने बनाई है, जो अभी 10th का पेपर हाल ही में दिया है। एक वो बच्चा जो मुझे लगता है कि उन सभी संसाधनों से दूर एक गाँव में है, जो शहरों के बच्चों को मिल जाता है और वो बहुत बेहतर कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा अनुभव रहा, एक बहुत अलग सा अनुभव रहा कि बीहड़ जैसे गांव के बीच में एक ऐसी सुंदर सी बाइक मिलेगी जिसको मैंने खुद चलाया है। आपको शायद वीडियो में, अगर एडिटर साहब की मेहरबानी होगी, तो दिख भी जाएगा कितना मज़ेदार ये बाइक है कि मेरा तो मन हो रहा है कि मैं इसको चलाती ही रहूं और चलाते चलाते इंटरव्यू हो जाए, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि टू व्हीलर है। हाँ। फोर व्हीलर रहती तो आसानी से हो जाता। तो हम आपको मिला रहे हैं रवि से, जिन्होंने इस बाइक को बनाया है। कितने दिन में बना है, कैसे बना है, कैसे ये काम करती है, इसमें क्या क्या फीचर है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके जज्बे को सलाम करते हैं, आपके मेहनत को सलाम करते हैं। इसलिए सलाम करते हैं क्योंकि आप शहर से नहीं, गांव से आते हैं। किसी बहुत अमीर परिवार से नहीं, एक किसान परिवार से आते हैं। तो एक गरीबी एक अभिशाप है ना, जिसमें आप कितने भी बेहतर हों, लेकिन आपके लिए जो चीज़ें आसान होती हैं वो भी एक मेहनत, एक बहुत कठिन, हाँ बहुत बहुत परिश्रम के बाद मिलती है। हाँ। तो मुझे पहले ये बताइए रवि, पहले इस बाइक के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद ये बात करेंगे कि ये कैसे बनी। अच्छा मुझे बताइए इसमें क्या क्या है, कैसे ये स्टार्ट होगी, कैसे फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन सभी हैं, जो कि जितने भी स्कूटी बाइकों के अंदर जो जो फंक्शंस आता है इसके अंदर भी है। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक में आता है कि इग्निशन ऑन करने पे इसका चाबी लगा के और स्विच ऑन किया जाए तो यहाँ बैटरी इंडिकेशन शो करेगा, उसके बाद किलोमीटर शो करेगा, फिर इसके बाद ऑन होने के बाद एक्सेलेटर से इसका स्टार्टिंग होता है। एक्सेलेटर लेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी, देखिए स्टार्ट हो जा रही है अभी, और ब्रेक लेने पे कट ऑफ हो जाता है। इसके अंदर हेडलाइट दो लगे हैं, एलईडी वाले दिखाइए, शानदार सी हेडलाइट है। अच्छा, इंडिकेटर भी दिया हुआ है ना? इंडिकेटर भी है, सिंगल साइड इंडिकेटर और कार की तरफ पार्किंग इंडिकेटर भी है, चारों एक साइज। उसके बाद हॉर्न भी है, फिर हेडलाइट भी है जो कि सामने और बहुत फास्ट ग्लो करता है, ऐसा हेडलाइट एलईडी। ये तो ये मुझे लग रहा है अभी ये धूप है ना, इसलिए ये इतना नहीं समझ आ रहा है, लेकिन रात में मुझे लगता है काफी दूर तक दिखता है, कार की तरह दिखता है, सामने वाले समझते हैं कि कार आ रही है। अच्छा हाँ, इतना फास्ट ग्लो करता है। ये इंडिकेटर ऐसे इसमें दिया हुआ है, आप अगर बाएं करना चाहते हैं, दाहिने करना चाहते हैं तो यहाँ दिया गया है। तो ये क्या चीज है? वो पार्किंग के लिए है, चारों एक साइड जलेगा, जैसे कार में कैसे जलेगा चारों? यहाँ इंडिकेटर ऑन है, चारों जल रहा है, देखिए एक साथ, इसे ऑफ कर देंगे तो सिंगल साइड हो जाएगा, ठीक। और ये वाली लाइट कैसे जलेगी? यहाँ से ये स्विच है। अच्छा, यहाँ हॉर्न है नीचे। गजब। और अच्छा रवि, हाँ इसको क्या बोले? इसे सीमेंस इलेक्ट्रिक बाइक हम लोग बोलते हैं, साइकिल मोटर और एक वो स्कूटी, तीन चीज मिक्स करके और इसका मॉडल हम लोग रेडी किए हैं। तो इसमें आपने EVZ नाम दिया है, ये क्या? हाँ वो मेरा, हम लोग का सेटअप है जो कि मतलब स्टार्टअप है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिसके अंदर हम लोग अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जितना भी होता है कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिक, ये इकलौती नहीं है, ऐसी कई है, इसका मतलब आप बताना। जैसे ये सिंगल ही है? नहीं, ऐसी आपने कई बनाई है ना, मतलब ये अभी सिंगल ही बना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन जो है रसड़ा बलिया यूपी, मतलब ये हम लोग अपना मतलब स्टार्ट किए हैं, छोटा सा एक स्टार्टअप,
इसी के अंदर जो भी नॉर्मल और भी ऐसी कई साइकिल को आपने बाइक बना दिया मैं ये वही वही कस्टमाइजेशन का वर्क होता है इसमें। जितना भी पुरानी पेट्रोल वाली बाइक है जो कि इंजन खराब हो जाता है उनके अंदर जो होता है पेट्रोल इंजन, तो उसे लोग लाते हैं हमारे यहाँ देते हैं, पैसा देते हैं, फिर उसे कस्टमाइज करा लेते हैं इलेक्ट्रिक में और उसके बाद एकदम निश्चिंत होकर चलते हैं बिना खर्च। एक छोटा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बताइए कि पुरानी बाइक हो हमारे पास और हमें ऐसे बनवाना हो इलेक्ट्रिक वाला, तो अगर अच्छा बैटरी लगाएं और अच्छा रेंज चलना हो तो मिनिमम 40 से 45 हजार खर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे चलते हुए देंगे बाइक जैसे जो हमारी मॉडल होगी जो भी हम जो भी बाइक लेके आ जाए जो भी आपकी बाइक होगी उसमें हम पूरा इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके A to Z मतलब जो भी उतना में हो जाएगा और बढ़िया बैटरी के साथ ताकि 3 साल की वारंटी मिले और 5 साल 6 साल तक बैटरी चले ऐसा बैटरी लगा करके तभी इतना कॉस्टली आ रहा है, नहीं तो सस्ता में भी हो जाता। देखिए आत्मनिर्भर अगर कोई हुआ है तो बलिया का रवि हुआ है जो अभी 16 साल की उम्र है और बता रहे हैं कि अगर आप अपनी पुरानी बाइक से परेशान है तो बलिया लेकर चले आइए, रवि उसको नया बना कर दे करके नया इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके उसे पूरा नया करके फिर दे देंगे। ये साइकिल थी नहीं ये कुछ भी नहीं था ये तो पूरा मॉडल है अपना बनाया हुआ खुद से बनाया हुआ। हाँ ये बताइए आगे की टायर बड़ी है पीछे की छोटी है? ये हम लोग का एरिया ऐसा है कि ऐसा मॉडल लॉन्च करना पड़ता है रोड भी रोड खराब की वजह से ये कहीं भी चली जाएगी, इतना इसका हाइट है और ऐसा मॉडल है कि मतलब ये कहीं भी आसानी से चली जाएगी। हम लोग एरिया देखने पे तो ये एकदम रॉयल टाइप लुक रॉयल टाइप लुक आता है इसलिए बना है वैसा चलने के लिए। कितने कितने दिन के सोच में बना होगा ये डिजाइन कैसे सोचे? 8 से 9 महीने इसमें लगा है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, पहले दोनों टायर्स का सेम था फिर कुछ और हुआ उसके बाद फिर लास्ट में ये वाला सेटअप बना जो कि एक छोटा टायर और एक बड़ा टायर है। अच्छा इसको लेके कहीं गए तो दोस्त नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे लिए भी बना? लेके जाने के बाद मत पूछिए एकदम हालत खराब हो जाती है लोगों को, मतलब शेयर करते करते जानकारी बताते बताते कि मतलब कितना लगेगा कैसे बनेगा कौन बनाया है मतलब कहाँ बनता है। मैं भी यही पूछने वाली थी कि अगर कोई सेम ऐसा बाइक लेना चाहे तो कितना लगेगा कैसे लेंगे? वही 50,000 तक के आसपास लग जाएगा। ये वाली दे देंगे? हाँ ऐसा बना करके ये वाली देंगे कि नहीं? नहीं ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे क्योंकि ये आपका पहला है। हाँ ये पहला मॉडल है इसे नहीं सेंड करेंगे किसी को। बिल्कुल अंदर बूट स्पेस भी है जो कि हम लोग कुछ भी आसानी से मार्केटिंग करके और रख सकते हैं, इसके अंदर भी जगह है इसमें भी कुछ सामान रख सकते हैं और आसानी से मार्केट से लेके आ सकते हैं हम लोग, पेपर वगैरह भी हाँ कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा ये लॉक दिया हुआ है? हाँ वहाँ से लॉक हो जाता है चाबी से। जो कलाकार होता है ना जब वो कोई चीज कोई गीत या कुछ कोई पेंटर होता है जब वो पेंटिंग बनाता है, कोई आप जैसा कोई मेहनती बच्चा होता है जब वो कुछ बनाता है, हम जैसे लोग जो मेहनत करके कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके लिए वो एक अमूल खजाना होता है। जैसे आपकी ये जो साइकिल है ना वो आपको कितनी भी कीमत मिल जाए आप इसे दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो जो लगाव होता है ना, जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है वैसे ही इन्होंने इस साइकिल को बनाया है मोटरसाइकिल और इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये रातों दिन जगने के बाद बना है। रात रात भर जग के और बहुत प्रॉब्लम हुआ, कई बार तो आँख में जो काम करते टाइम लोहा का कड़ होता है वो पड़ गया था, निकलवाने में आँख में भी बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मतलब बहुत कुछ किए हैं उसके बाद ये एक बार तो पैर ही कट गया था काम करते टाइम इसी के काम करते टाइम में, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ उसके बाद ये बना है वो उसकी कीमत कोई थोड़ी लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा। अच्छा रवि ये बताइए कि आपके पास वो सारी संसाधन तो होंगे नहीं जैसे लोहे को जोड़ने के लिए? ये जो मेन कंपोनेंट है वो व्यवस्था करके रखे हैं है? हाँ एक दो मशीन छोटी छोटी जो मशीनें वेल्डिंग मशीन हो गई ग्राइंडिंग मशीन हो गई और ड्रिल मशीन हो गया, ये 2-3 चीज जो मेन होता है कंपोनेंट ये रखे हैं ताकि अपना कोई भी आसानी से काम कर ले। जब पिताजी से पैसा मांगते दे देते हैं? शुरुआत में बताइए जब नहीं मिल पाता था लेकिन जब करने लगे तो मिलने लगा। पहली बार क्या बनाए थे? सबसे पहले साइकिल में ही कन्वर्ट किए थे, साइकिल से स्टार्ट हुआ। हाँ वो तो नॉर्मल ही था लेकिन उसके बाद जैसे वो बनाने से ये फायदा हुआ कि मतलब घर वाले भी जाने लगे कि हाँ कुछ हो सकता है, उसके बाद से बहुत कुछ अपना दिमाग खर्च करके और बनाने लगे और होने लगा। ये कितना है दूसरा तीसरा कितना प्रयास है? ये तो लगभग 4-5 के बाद है। हाँ
पहले ये बताइए, जैसे हम लोग ननिहाल जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, फूफा के घर जाते हैं, तो जो पैसा मिलता है वो हम कुछ खाने में खर्च करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, आप सारा पैसा इसमें लगा देते थे? हाँ, इकट्ठा करते थे, लगाते थे, और बहुत आइडिया लगाते थे जहाँ से हमें पैसा मिले। छोटा मोटा जो काम होता था उसे करते थे, उससे भी पैसा मिलता था, तो इकट्ठा कर करके और कुछ घर से भी मिला। और जो अभी भी दूसरों का काम करते हैं जैसे कन्वर्जन वाला, तो उसमें भी जो मिलता है सब इसी मिला, सब इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि मतलब हमारा खुद का कोई सेटअप बन सके। अभी ऐसे अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर कोई मिल जाता तो बहुत ज़्यादा आगे तक काम होता। वही बात है। हाँ, देखिए अगर रवि शहर के कोई किसी अच्छे परिवार के बच्चे होते तो आज ये जो बाइक हम अपने वीडियो में दिखा रहे हैं वो आपको किसी एग्जीबिशन में नज़र आता, कहीं नीलामी लग रही होती और लाखों रुपए में बिक रहा होता। लेकिन क्योंकि रवि एक गांव से आते हैं, किसान परिवार से हैं, इसलिए उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। ये बाइक इतनी शानदार है, मैं बता रही हूँ कि जब आप इसको चलाएंगे तो आप एक्टिवा को भूल जाएंगे। मेरे पास एक्टिवा मेरी है, मैं उसी से ऑफिस जाती हूँ, लेकिन जब मैं इस पर बैठी तो मुझे लगा कि एक्टिवा में अभी कुछ और काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है, उतनी तेज़ी से एक्टिवा नहीं भागती है। तो ये बहुत उसके अंदर पेट्रोल इंजन होता है। ये क्यों इतना अच्छा पिकअप ले रहा है, क्या मतलब? ये बैटरी का जो एनर्जी है स्टोर है, यूज करना है तो ये आसानी से पिकअप और चलने में आसानी होती है, लेकिन उसमें बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे इंजन ऑयल लेता है, उसे ब्लास्ट करता है अंदर, फिर उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे अपना राउंड बना करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करता है, आगे चलाता है। लेकिन इसमें सब स्टोर है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये इसीलिए इतना आसान होता है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर है, फार्मर है, खेती होती होता है। तो मैं ये समझूं कि जब आप ऐसी किसी बाइक बनाने के बारे में सोचेंगे तो इसके लिए आप पूरा बजट अपने पिता के कंधे पे भी नहीं डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, हम मतलब पूरा नहीं मांग सकते हैं, कुछ खुद से करेंगे और कुछ सपोर्ट वो लोग से लेंगे, जैसे हाफ खुद से करेंगे और हाफ वो लोग से ले लेंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बाइक देख रहे हैं, सिर्फ एक बाइक ऐसी रवि के पास नहीं, ऐसी करीब 15-20 बाइक रवि ने तैयार की है और ये चौथी है, इसके अलावा और भी बहुत है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, अभी जैसे कस्टमर भी बहुत सारे हमारे हैं, लेके गए हैं अभी तक। हाँ। क्या बोलते हैं लोग जो लेके गए? रिव्यू इतना अच्छा है कि मतलब 3-3 साल तक हो गया है, आज तक कोई कॉल नहीं आया। उन लोगों को कुछ भी होता है हमारे यहाँ, पार्टी वार्टी छोटा मोटा कुछ भी, हम अगर कोई आता भी है तो उन लोगों को बुलाते हैं एक साथ, तो सभी लोग आते हैं तो बहुत आते हैं, तो रिव्यू बहुत अच्छा अच्छा देते हैं कि आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छी चलती है। जहाँ लेके निकलते हैं वहाँ लोग पूछने लगते हैं कहाँ बना है, कैसे बना है, कितना लगा है, बहुत कुछ लोग, सभी लोग जैसे हम लोगों को शेयर करते हैं वैसे ही मेरे कस्टमर हैं, वो भी सभी लोगों को शेयर करते हैं और लोग आते रहते हैं, काम होता रहता है। रवि के जज्बे को तो सलामी है, लेकिन एक बार समझने की ज़रूरत है कि ना जाने क्यों ऐसे बच्चों को हमारी सरकारें, जिन पर जिम्मेदारियां हैं वो लोग, ना जाने क्यों सपोर्ट नहीं करते। ये जब बाइक पहली बार बनी होगी तब गांव के लोगों ने तो रवि की खूब तारीफ़ की होगी, लेकिन जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक रवि अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं। ये बाइक बनाने में जितना खर्चा आता है वो इनके परिवार वाले नहीं उठा पा रहे हैं। अगर वो नहीं उठा पाएंगे तो रवि अपना प्रयास बंद तो नहीं करेंगे, रवि कुछ नया सोचेंगे, कुछ और करेंगे। जैसे रवि बताते हैं कि अगर उनके पास पूरा समय होता तो अभी मैं सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने एक कार भी बनाई है बहुत बेहतरीन सी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर रवि के पास टाइम होता तो ये एक बाइक है, नेक्स्ट उन्होंने कार बनाई है, अगर उनके पास समय होता तो वो कुछ और नया बनाते, लेकिन क्योंकि उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है इसलिए वो ऐसी बाइक लोगों के लिए बनाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर कुछ लोग इनको सपोर्ट करें तो कम से कम वो नया नया बनाने का प्रयास करेंगे, बेचेंगे नहीं तो मुझे लगता है और बेहतर बना पाएंगे और कुछ नया नया बनाएंगे और नया और बेहतर और अच्छा अच्छा चीज़ बनाएंगे, लोगों को सपोर्ट ज़्यादा हम भी करेंगे मेहनत कर करके कि ताकि लोगों को कम खर्च में आसानी से ट्रैवलिंग कर सके और अपना जो काम है आसानी से कर ले, कितना भी महंगाई बढ़ जाए, सरकार कितना भी पेट्रोल और डीजल महंगा कर दे लेकिन हम लोग पे कोई असर ना आए, ऐसा करेंगे। हाँ, देखिए
सिर्फ शहर के नहीं गांव के बच्चे भी आजकल बहुत आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन मिले या ना मिले, बच्चे जो कर जा रहे हैं वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। लोग कहते हैं कि गांव तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंची है, बेशक नहीं पहुंची है, लेकिन गांव के बच्चों ने जो कमाल कर दिखाया है वो सोचने की ज़रूरत है। यहाँ से मुझे लगता है शहर काफ़ी दूर है और इन चीज़ों के लिए जो सामान लाना होता होगा वो भी एक स्ट्रगल होता होगा रवि के लिए, लेकिन तब भी रवि अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे हैं। इस प्रयास के लिए आपकी सराहना होनी चाहिए और उन सभी लोगों को करनी चाहिए जो लोग देखकर भी मुंह मोड़ ले रहे हैं, चाहे वो नेता हों चाहे वो तमाम लोग जो शोध करते हैं, उनको आपको बुलाकर छोटा सम्मान देते ताकि और मेहनत आप कर पाते। सम्मान बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब किसी को सम्मान मिलता है तो जो 4 घंटे काम होता है वो 6 घंटे होने लगता है। गांव वाले तो बहुत प्यार करते होंगे आपके इस प्रयास। हाँ करते हैं, वो लोग भी स्टार्टिंग में उन लोगों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन जब हमारा नया प्रोडक्ट गांव में ही मतलब टेस्टिंग होता है, जब गांव में ही लेके निकलते हैं तो लोग गांव में ही लोग एक जगह जुट जाते हैं और मतलब आपस में बातें करने लगते हैं। गजब। दोस्तों ये बाइक आपको कैसी लगी है वो आप मुझे बताइएगा। हमने इसे चलाया है, मेरा रिव्यू तो मैं कहूँ कि अगर 10 में से 11 दे सकते तो मैं दे देती, क्योंकि ये एक छोटे बच्चे का प्रयास है। ये उस बच्चे का प्रयास है जो किसी बहुत अच्छे परिवार से नहीं आता है, किसान परिवार का बच्चा जो गांव में रहकर इतना बेहतर कुछ बना रहा है, और मुझे लगता है कि रवि और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अभी अभी आप एक बाइक बना चुके हैं, वो उधर एक बार कार दिखाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की हाइप भी बने। ये जो कार आप देख रहे हैं वो हमने चलाया है और काफ़ी देर से चला रहे थे, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप वो भी देखिएगा। तो एक 16 साल का बच्चा इतना बेहतर कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों जिन पर जिम्मेदारियां हैं वो समझ ही नहीं पा रहे। शहर से काफ़ी दूर आप इसको बना रहे हैं, अभी क्या लगता है कि और किस किस तरीके का सपोर्ट आपको मिले कि आप और बेहतर कर पाएंगे? अगर आर्थिक सपोर्ट मिले तो बहुत हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि लोगों के लिए और अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक ईवी और लाइटनिंग। बहुत नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं बनाने के लिए? अभी इसके आगे अभी तो इसी में काम करना है, इससे आगे लोगों के लिए नॉर्मल स्कूटी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा। जो कि प्राइस कम हो और उसका जो सिस्टम हो अच्छा हो, ताकि कम खर्च में लोग स्कूटी ले सके और आसानी से अपना डेली का जो वर्क है कर सके। अच्छा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। रवि से अगर आप मिलना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में रवि के चैनल का लिंक देंगे, आप वहाँ पर जाइए, इनके नए नए प्रयासों को खोजिए, सराहिए। और हमें लगता है बहुत ज़रूरी है इनकी सराहना, क्योंकि जब आप इनकी सराहना करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत किफ़ायती चीज़ बनाएंगे। ये ऐसी शानदार सी बाइक बनाएंगे जो कम खर्चे में चलेगी और स्कूटी और बाइक चलाने वाले लोगों के लिए काफ़ी राहत होगा, क्योंकि इसमें तेल बिल्कुल नहीं लगता है। तो तेल 200, 400, 500 रुपए होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आपके पास ऐसी किफ़ायती बाइक होगी जो दिखती भी इतनी शानदार है कि आप अपने मोहल्ले में ले के निकले तो 4 लोग पलट के देख ही लेंगे। अभी भी आप निकलते होंगे अपने गाँव में तो लोग पलट के, गाँव में मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो एकदम लोग एक जगह जुट जाते हैं, लोग मांगते हैं थोड़ा सा दे हाँ, कि थोड़ा सा चलाने के लिए मिलेगा तो दे देते हैं। हाँ। जो अगर लगता है कि हाँ ये लोग चला लेंगे तो दे देते हैं। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। रवि को सलाम है इस बाइक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कार जो इतनी मजेदार चलती है कि करीब 15-20 मिनट से तो हम ही चला रहे थे, बाद में हमें लगा वीडियो बना लेना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत उधर मोड़िए फास्ट मोड़िए, हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये कार चल बहुत तेज सकती है, लेकिन सिर्फ चल इसलिए तेज नहीं रही है क्योंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं उनको दौड़ना पड़ जाएगा, ये इतनी तेज चलेगी। हाँ। इसलिए हम इसे काफी धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि ये वीडियो भी आसानी से बन सके और लोग समझ सके। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।